अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे की। पीएम मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे का आज दूसरा दिन है। वियना में भारतीय प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलिन और चांसलर कार नेमर से मुलाकात की और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात की। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच संबंधों की नई शुरुआत हो गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वेलकम आज तुम्हारा, वेलकम आज तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में, वेलकम आज तुम्हारा। ये दुनिया भर में भारत के बढ़ते पद की तस्वीर है जिस पर चीन अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। रूस की दो दिवसीय कामयाब राजनयिक यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार देर रात ऑस्ट्रिया दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वियना में पीएम मोदी का राजकीय सम्मान के साथ आदर सत्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियना में भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों की मजबूत नींव भी रखी। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने आने वाले वर्षों में ऑस्ट्रिया के साथ कई क्षेत्रों में एक साथ काम करने पर जोर भी दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों की नींव निश्चित तौर पर भारत और ऑस्ट्रिया संबंधों को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी। इससे पहले पीएम मोदी ने वियना के गेस्ट बुक पे हस्ताक्षर भी किए। होटल रिट्ज कार्टन में ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने खास अंदाज में पीएम मोदी का स्वागत भी किया और वंदे मातरम गीत की अद्भुत प्रस्तुति दी। ऑस्ट्रियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलिन से मुलाकात से पहले पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत सत्कार किया और पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली। ऑस्ट्रिया और भारत के संबंधों की ये ऐतिहासिक तस्वीर है। पिछले 41 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। इससे पहले साल 1983 में इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया के दौरे पर गई थी। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। वियना में भारतीय मूल के ऑस्ट्रियाई नागरिक भी पीएम मोदी से मिलने के लिए उत्साहित नजर आए। हाथों में तिरंगा और जुबान पर भारत माता की जयकार के साथ भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यहाँ पे जितना भी वियना में जो इंडिया, ऑस्ट्रिया एंड वियना सब मिला के जितना भी इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे है, हम उन सब की तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मोदी जी हमारे प्राइड हैं,
कि ऐसा प्रधानमंत्री हमने हिस्ट्री में तो नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे एक त्योहार बन चुका, उत्सव का माहौल है, केवल वियना से ही नहीं लेकिन पूरे ऑस्ट्रिया से, लिंस, ग्रास, जहां से नाम लो, जहां कहीं भी भारतीय हो वे सब यहां पर आना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी की एक झलक के लिए भी। इस खास अवसर पर बड़ों के साथ बच्चों में भी पीएम मोदी से मिलने का एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बच्चों की मुराद पूरी की और उनके साथ पूरे अपनेपन से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय ऑस्ट्रिया दौरे के बाद आज वतन वापस लौटेंगे, लेकिन वतन वापसी से पहले पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के साथ रिश्तों की एक नई बुनियाद रख दी है और उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे। और अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे पर इंटरनेशनल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है वो आपको बताते हैं। दरअसल ऑस्ट्रिया दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की शाम रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे, जिस पर इंटरनेशनल मीडिया ने भी बारीकी से नजर बनाए हुए थे। अमेरिका, चीन समेत दुनिया भर के कई प्रतिष्ठित अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात को प्रमुखता से दिखाया गया है। बीबीसी ने दोनों नेताओं की मुलाकात पर लिखा, पुतिन भारत चीन जैसे देशों के नेताओं के साथ संबंध मजबूत करने में जुटे हैं। तो वहीं वॉइस ऑफ अमेरिका ने यह लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा में भारत रूस के बीच अहम रिश्तों की झलक दिख रही है और दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण संबंध हैं। जबकि ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में कहा गया है कि यूक्रेन संकट के बावजूद मोदी और पुतिन ने अपनी दोस्ती के रिश्ते को और मजबूत किया। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम ने लिखा है, भारत और रूस के गहरे होते संबंधों को लेकर पश्चिमी देश चिंतित हैं। एक और अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में कहा गया है कि भले ही भारत अमेरिका का रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन भारत रूस के साथ अपने मजबूत संबंध बरकरार रखेगा। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात एक ऐसे ऐप की जो बिना जांच ही कैंसर सेल्स ढूंढ लेगा। उत्तर भारत के लिए वरदान कहे जाने वाले पीजीआई चंडीगढ़ ने एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया है। लिवर और ओरल कैंसर से जंग में बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस ऐप का इस्तेमाल कर लिवर और ओरल कैंसर की आसानी से स्क्रीनिंग की जा सकेगी। यहां तक कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आशा वर्कर्स खुद भी लिवर और ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग कर पाएंगी। और इस ऐप को विकसित करने के लिए पीजीआई ने लिवर कैंसर के 2000 और ओरल कैंसर के 2500 मरीजों का डेटा जुटाया। 15 से 20,000 डिजिटल इमेज भी बनाई गई और इन्हीं इमेजेस और डेटा का एआई आधारित ऐप विश्लेषण करेगा। कैंसर की स्टेज कौन सी है वो भी ये बताएगा। फेक वीडियो, गलत या भ्रामक सूचना और निजता के हनन से जुड़े मामलों की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज्यादा चर्चा होती है। इस बीच एआई मेडिकल साइंस के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। फिजिशियन से लेकर सर्जन तक एआई के जरिए अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाने में जुटे हुए हैं। बीमारियों से जुड़ी डायग्नोसिस और मरीजों की देखरेख के लिए मशीनों और नई तकनीकों की भरपूर मदद ले रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर भारत के लिए वरदान पीजीआई चंडीगढ़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जिससे लिवर कैंसर और मुंह के कैंसर की पहचान समय से पहले कर ली जाएगी। हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं एक ओरल कैंसर का हब है एंड पुरुष में ये सबसे सर्वाधिक मिलने वाला कैंसर है हमारे देश में। और ये भी हमने देखा है करीब 70-80% पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो काफ़ी एडवांस स्टेजेस में आते हैं और एडवांस स्टेजेस में उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती है और कैंसर ऑलरेडी काफ़ी नुकसान उनके शरीर में कर चुका होता है। पीजीआई चंडीगढ़ का ओरल हेल्थ साइंस सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसा मोबाइल ऐप बनाने में जुटा है जिससे मरीजों में मुंह के कैंसर के लक्षण दिखने से पहले ही इस जानलेवा बीमारी का पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं ये है कि कैंसर होने से पूर्व, कैंसर होने से पहले उन लक्षणों को आइडेंटिफाई कर लिया जाए ताकि हम तभी रोकथाम के जरिए और इलाज के जरिए पेशेंट को
के इस पेशेंट को कैंसर के जाल में फंसने से पहले रोक सकें। तो हम ये चाहते हैं कि एक AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इस प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप हो, ताकि वहाँ पे जो कार्यरत हमारे लेट से हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा भी हो सकती है, CHOs हो सकते हैं, जो भी हेल्थ वर्कर है, वो उसके माध्यम से पेशेंट का आसानी से एक चित्र खींचे, मोबाइल मुँह का एक फोटो ले और थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स एंटर करे और वो मोबाइल एप्लीकेशन तभी तुरंत बता दे कि इसको कैंसर होने की संभावना है कि नहीं। अगर है तो फिर उसको एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के लिए आगे अग्रसर करे। मुंह के कैंसर को समय से पहले डायग्नोस करने वाले मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए ओरल कैंसर के 2500 से ज्यादा मरीजों का डेटा जुटाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लिवर कैंसर के अलावा ओरल कैंसर से जुड़ी 20,000 से ज्यादा डिजिटल इमेज भी तैयार की गई है। कैंसर पेशेंट से जुड़ी इमेज और डेटा का विश्लेषण कर AI की मदद से ओरल कैंसर किस स्टेज का है ये भी बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आशा वर्कर या हेल्थ वर्कर भी बड़ी आसानी से इस ऐप का इस्तेमाल कर ओरल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कर पाएंगे। अभी अभी जो हमारा इनिशियल मॉडल है उसमें हम करीब 20,000 से ज़्यादा इमेजेस पे काम कर रहे हैं इनिशियल मॉडल में, पर अभी इसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो हमारा प्रयास ये है कि और भी जो सेंटर्स हैं, केवल PGI नहीं, और भी जो बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे काफ़ी इस प्रकार के पेशेंट्स आते हैं, उनके साथ मिलके हम जल्दी से जल्दी और डाटा इकट्ठा करें और जैसे ही हमारी एक एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी आ जाती है तो हम इस सॉल्यूशन को डिप्लॉय करें। भारत में कैंसर एक आम बीमारी बन चुकी है। अगले 10 साल में करीब 1 करोड़ नए लोग कैंसर के शिकार होंगे, उनमें भी मुंह के कैंसर से 30% से ज्यादा मरीज पीड़ित होंगे। भारत में अभी 59 में से हर एक पुरुष ओरल कैंसर से जूझ रहा है, वहीं 139 में से एक महिला मुंह के कैंसर से पीड़ित है। इसकी बड़ी वजह तंबाकू, गुटखा, सिगरेट के सेवन के अलावा जेनेटिक भी है। कैंसर के कुल मरीजों में ओरल कैंसर से मरने वालों की संख्या 42% से ज्यादा है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुंह के कैंसर से पीड़ित ज्यादातर मरीज एडवांस स्टेज में इलाज के लिए पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उनके बचने की संभावना सिर्फ 5% रह जाती है। ऐसे में अगर शुरुआती दौर में ही ओरल कैंसर की पहचान कर ली जाए तो 80-90% मरीज ठीक हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनने वाले मोबाइल ऐप से स्क्रीनिंग आसान हो जाएगी, जिससे मुंह के कैंसर मरीजों की पहचान जल्दी की जा सकेगी। भारत में मुंह के कैंसर के इलाज की लागत 3 लाख से 5 लाख के बीच आती है, लेकिन जल्दी पता लगने और समय पर इलाज से पैसों के अलावा मरीज की जान भी बच सकती है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने की हकदार माना है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि महिला चाहे किसी भी धर्म की हो, उसे शादी टूटने पर पति से गुजारा भत्ता मांगने का हक है। CRPC की धारा 125 में भरण पोषण का प्रावधान है और इसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन है, वो पत्नी, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता और इस फैसले ने 38 साल पुराने शाहबानो केस की याद दिला दी। राजीव गांधी सरकार ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के इसी तरह के आदेश को पलटने के लिए एक नया कानून बना दिया था। शाहबानो नाम की मुस्लिम महिला को जब सुप्रीम कोर्ट ने पति से गुजारा भत्ता लेने का हकदार बताया था, तब मुस्लिम समुदाय के आक्रोश के आगे झुककर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद से कानून पारित करवा दिया था। खुद याचिकाकर्ता पति असद के वकील वसीम कादरी ने भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज दिए फैसले की तारीफ की है, जिनसे बात की हमारे सहयोगी सुनील शर्मा ने। मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है जो पुराने निर्णयों को और स्पष्ट करता है, दायरा बढ़ाता है। पहले के निर्णय ये थे जिसमें कहा गया था कि तलाक के बाद किसी भी महिला को उसका पति उसकी अगली शादी होने तक, पहले तो यह था इद्दत तक, वो इद्दत के समय तक उसको गुजारा भत्ता देगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना की अगुवाई वाली पीठ ने फैसला दिया है, इसे और स्पष्ट किया है, दायरा बढ़ाया है, जिसमें कहा कि अगली शादी होने तक पति को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। हालांकि इस पूरे मामले में सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में वसीम अहमद कादरी साहब हैं और ये
उस मामले में पति की तरफ से उसकी पैरवी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस निर्णय का भी स्वागत किया है क्योंकि यह निर्णय बहुत सारे हिस्से को कवर करता है और एक क्रांतिकारी निर्णय है। वसीम कादरी साहब, इस पूरे निर्णय की बारीकियां क्या है? देखिए, ये एक हिस्टोरिकल जजमेंट है। इश्यू तो बहुत छोटा सा था कि अगर डिवोर्स वोमेन है तो क्या सेक्शन 125 सीआरपीसी में वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है या उसको स्पेशल एक्ट में फाइल करना होगा सेक्शन 3 में। इशू ये था, लेकिन कोर्ट ने काफ़ी इसके इस इशू के स्पेक्ट्रम को बढ़ा के और काफ़ी चीज़ें, मतलब दूसरी चीज़ें सुनी, सारे जितने जजमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट, दानियाल लतीफ़ी का जजमेंट और सारे जजमेंट्स को उन्होंने मतलब कंसीडर किया। और आज जो जजमेंट आया है वो बेसिकली जजमेंट है वुमेन एम्पावरमेंट का। कोर्ट ने इस बात के अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये की है कि एक तरह से सबके लिए उन्होंने ये कर दिया है, इस तरह के डायरेक्शंस दिए हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कि जो हाउसवाइफ है उसका ज्वाइंट अकाउंट खुलना चाहिए, हस्बैंड को उसमें डिपॉजिट मंथली करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वोमेन एम्पावरमेंट के लिए ये जजमेंट है। और मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इतना अच्छा, इतना लैंडमार्क जजमेंट आएगा। और जब डायरेक्शंस सुने मैंने और फिर ऑब्जर्वेशंस कोर्ट में जो सुने, अभी जजमेंट पढ़ा नहीं है पूरा मैंने, बट जो कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस रीड किए उसको पढ़ के, मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा। और ये रियली लैंडमार्क जजमेंट है, एक प्रैग्मेटिक व्यू, प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल व्यू है। और इस पूरे मामले पर हमने ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शायस्ता अंबर से भी बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। शायस्ता जी, ये बात बहुत पहले आपने उठाई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा भी है कि चाहे महिला किसी भी धर्म की हो उसको गुजारा भत्ता मिलेगा और मुस्लिम महिला को भी गुजारा भत्ता मिलेगा। मुझे बहुत खुशी तो है, बहुत खुशी है कि ये लड़ाई बहुत पहले से हम लड़ रहे हैं। वैसे तो धीरे धीरे आवाज हमारी जब फैलेगी तब देश के कोने कोने में जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट हमारी न्यायपालिका है और वही इंसाफ करती है। शाहबानों का मामले से लेकर और बहुत सारे ऐसे मामले जब आते रहे और इस्लाम की सही चीज़ों को पर औरतों के मसलों पे या बच्चों के मसले पे इंसाफ नहीं हो पा रहा था, हमारे बहुत सारी जो संस्थाएं हैं मुस्लिम संगठन की, तो उसमें मसले आते जा रहे थे, लेकिन तलाकशुदा औरतों को गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा था। ये हमारा देश संविधान से चलता है और उसमें ये आज़ादी है कि हम अपने तरीके से, हम जो लाइट ऑफ कुरान है उसके हम फैसले करें, लेकिन किसी के हक और बुनियादी हक को आप नहीं छीन सकते। ये इस्लाम में भी है और हमारे संविधान में भी है। तो हमने इसी बात की सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी कि अगर औरत का तलाक हो जाता है तो औरत किसके ऊपर बोझ बने? एक तो उसको वफ की जमीन से पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे लोग सुप्रीम कोर्ट में और सरकारी संस्थाओं में हमारी तलाकशुदा औरतों को गुजारा दे। क्यों उस बात पर आते हैं, लेकिन अभी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है कि पति गुजारा भत्ता दे उसकी वो हकदार है, आपने पहले ये बात उठाई थी, आपको लगता है कि संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक ही ये होना चाहिए? देखिए, हमारा संविधान ही ऐसा बना है कि सभी धर्मों के रीति रिवाज जो संविधान से ना टकराए और किसी के हुकूक से ना टकराए उनको दिया जाए। शाबानों को नहीं दिया गया, वो गरीबी रेखा से भी नीचे भूखमरी की हालत में वो अपना केस लड़ लड़ के थक गई। आज हमें खुशी है कि संविधान में और इस्लाम में भी गुंजाइश है। ये इस्लामी कंट्री नहीं है कि हम वफ की से या बैतुल माल से तलाकशुदा या बेवाओं को पैसा दे दें, क्योंकि यहाँ व्यवस्था तलाक वफ बोर्ड को 1986 में दे दी गई थी सरकार के में, जो कांग्रेस के टाइम में वफ जमीन, वफ डिपार्टमेंट से तलाकशुदा औरतों को गुजारा भत्ता का कानून पास हो गया था। आगे बढ़ते हैं, 46 साल बाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार कक्ष के द्वार खुल सकते हैं। मंदिर में मौजूद आंतरिक कक्ष में मौजूद सामान की सूची बनाने के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति ने इसे खोलने की सिफारिश करने का फैसला
किया है। रत्न भंडार में कई तरह के रत्न आभूषण और दूसरी मूल्यवान चीजें हैं। इन सभी चीजों की लिस्ट बनाने की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया है। एक और भगवान जगन्नाथ के भक्त आस्था के भवसागर में लीन है। वही भक्तों के लिए 46 साल बाद एक और शुभ घड़ी सामने आ रही है। खबर है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार कक्ष के द्वार खुल सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद सामान की सूची बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति तैयार की गई थी। अब पूरी जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार निगरानी समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ ने साफ साफ कहा है कि सरकार अगर अनुमति देती है तो 14 जुलाई को रत्न भंडार खोला जाएगा। सेक्शन 6 से रूल 6 के प्रावधान के अनुसार सरकार का अनुमति खोलने के लिए चाहिए और उसमें भी निष्पत्ति हो गया है। चाबी उस दिन हमारे पास आएगा, चाबी में खोलेगा नहीं खोलेगा जैसे भी हो उसको खोला जाएगा। उसी दिन ही हम सामान को शिफ्ट करेंगे। सामान शिफ्टिंग के लिए भी मैनेजमेंट कमिटी ने डिसीजन ले रहा है। उनका आइडेंटिफाइड टेम्प्रेरी रत्न भंडार वो बना रहे हैं, उसी का अंदर गर्भगृह का अंदर में ही बन रहा है, उसी में हम आइडेंटिफाइड आर्टिकल्स रखेंगे, यूज के हिसाब पर हम रखेंगे। रत्न भंडार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है जिसमें देवता से जुड़े आभूषणों समेत अमूल्य खजाने हैं। समिति ने मंदिर परिसर के भीतर एक खास स्थान की पहचान की है जहां आभूषणों को मूल्यांकन के लिए सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज कम्प्लाई करना है, उसमें जो गहना के साथ परिचित है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो जेंट्स ज्वेलरीज का परिचित करते हैं उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज बॉडी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके साथ और बहुत सारे आनुषंगिक तथ्य भी है और सामान्य मुआयना करना पड़ेगा, इसलिए हमने दिया है प्रपोजल, ड्राफ्ट प्रपोजल कर दिया है। मंदिर के रत्न भंडार में 12वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण आभूषण हैं, जो लंबे समय से भक्तों और राजाओं की ओर से भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा को भेंट किए गए। मंदिर के काफी अंदर रत्न भंडार स्थित है जिसमें 2 कमरे हैं, आंतरिक कक्ष और बाहरी कक्ष। जब जगन्नाथ जी और उनके भाई बहन को सुंदर स्वरूपों को स्वर्ण पोशाक पहनाना होता है तो बाहरी कक्ष खोला जाता है। हर साल जगन्नाथ यात्रा के दौरान ये एक प्रमुख अनुष्ठान होता है। सिर्फ प्रमुख त्योहारों के दौरान ही इस कक्ष के द्वार खुलते हैं। वैसे तो इसका दरवाजा 1985 में खुल गया था लेकिन तब सिर्फ मरम्मत की गई थी। रत्न भंडार में मौजूद खजाने का लेखा जोखा आखिरी बार 1978 में लिया गया था। मंदिर की संपत्ति की पवित्रता और सुरक्षा बनाए रखने के लिहाज से ये साफ किया गया है कि किसी भी संपत्ति को मंदिर परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। नियमों के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोलने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती है। इसका प्रस्ताव मंदिर प्रबंधक समिति से आता है। पुरी से अनिर्वाण सिन्हा रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत सिंधवा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज।